स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को अरेंज करना सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग वेरियस ग्रुप्स में, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो अरेंजिंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन वेरियस ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन द बुक इन विच ही डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। सो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज्ड किया था? चार्ल्स डार्विन ने। और इसने किस बुक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बेसिकली इवोल्यूशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करना, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? रॉबर्ट वेटेकर। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? स्पीशीज। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल, क्योंकि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। वैसे क्लासिफिकेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या होगा? स्पीशीज। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, और जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें जो सीड्स है वो कवर्ड रहता है, इनक्लोज्ड रहता है बाय फ्रूट वॉल। जिम्नोस्पर्म्स में जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे कि जाइलम, उसमें वेसल्स कम होते हैं, मतलब अनडेवलप्ड होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम, उसमें वेसल्स पूरे होते हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नेक्ड एंड द वास्कुलर टिश्यूज सच एज जाइलम लैक्स वेसल्स। एंजियोस्पर्म्स में द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय ए फ्रूट वॉल एंड वास्कुलर टिश्यूज सच एज जाइलम कंटेंस वेसल्स। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। सो जो क्लासिफाई होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें हम क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए? सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तीन होते हैं इसमें, सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर मीन्स जो सेल है वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है या वो दूसरों पे डिपेंड हो रहा है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट है कि नहीं है बॉडी में, उसके आधार पर वो क्लासिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोगेम। सो क्रिप्टोगेम क्या होता है? जब भी प्लांट्स जो है उनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम कहते हैं। कम टू द एट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम में क्या क्या डिविजन्स होते हैं? सो पांच डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट है थेलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म्स। बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है ये फेनोरोगेम के टाइप्स होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। सो जो वर्टिब्रेट है वो एनिमल किंगडम का एक डिवीजन है, और उसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। तो वो किस आधार पर होते हैं कि जो उनका जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है वो सिंपल से कैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, उनके आधार पे उनके अकॉर्डिंग वर्टिब्रेट्स के सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हम फंक्शन लेते हैं चैम्बर्ड हार्ट की, किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्ड हार्ट है। तो जैसे फिश में कितने होते हैं? दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और मैमल्स और ईव्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? फोर। तो ये जो चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया? उसका फंक्शन हो गया। सो वर्टिब्रेट्स इनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो जाते हैं सब ग्रुप्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।